गर्मी में खटिया खड़ी हो गई है, इसलिए खटिया पे लेट गए आगे। तो भाईरो फाइनली पहुंच गया अपन उन नजारों में जिसके लिए अपन घर से निकले थे। और ऐसी शिकंजी मैंने भी, मतलब बिल्कुल ही अलग शिकंजी है। एक ही रोड पे बाइक, गाड़ी, ट्रक और भैंसिया। अरे दिनेश भाई का बैग शायद से ना मेरे को लग रहा है इस वजह से भी वॉबलिंग कर रही होगी। पता नहीं कैसे सर्विस सेंटर वालों ने गलती की है। मौजिक कश्मीर में एंट्री करते ही स्वागत हुआ। भाई पठानकोट में देखो कितने सारे राइडर्स आए हैं, सारे लद्दाख। भाई सब लद्दाख जा रहे हो आप? लद्दाख खूब सारे राइडर्स आए हैं, खूब सारे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी लद्दाख। तो भीड़ भैया लद्दाख में थासो मिलने वाली है अपने को। और अपन एज यूजुअल लेट, मेरी नींद खुली है सुबह 5:30 बजे की। कुछ करते करते टाइम निकल रहा है। मैं वेट कर रहा था दिनेश भाई उठे, उसके बाद अपन निकले। तो वो उठे हैं, अब थोड़ा रेडी हो रहे हैं। चलो भाव जी, कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? 15 से 20 मिनट में हो जाओगे? पैकिंग वैकिंग सब डन हो जाएगी? लग नहीं रहे हालात। कोशिश तो यही की है कि सामान ज्यादा ना फैले, फिर भी यार पैकिंग में काफी टाइम जाता है। चलो शुरुआत करते हैं आज के ट्रिप की। ये है होटल लियो पठानकोट। अब बज चुके हैं 9:30। कल चल आई थी अपन ने बाइक 529 किलोमीटर और एवरेज आई थी 39.3 की। आज भी ट्रिप 1 मीटर को करते हैं 0 ताकि देखें आज कितनी चलाने वाले अपन। आज का टारगेट श्रीनगर, जिसका रास्ता शो कर रहा है 313 किलोमीटर 7:33। चलो जी, जय बजरंग बली। बिल्कुल मेन हाईवे पे अपने को होटल मिल गया था। सही होटल था, खाना वगैरह भी बढ़िया था और आराम सही कर लिया यार। कल मतलब परसों रात को तो नींद हुई नहीं थी बिल्कुल, कल रात को फिर कुछ ठीक नींद कर ली। नींद चाहे मैं कितना भी थक रहा हूँ, जितना भी हो यार, मेरे को ना 5-6 घंटे ज़्यादा नींद आती नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अपने को दोपहर को एक पावर नैप लेना पड़ जाता है, तो आज भी अगर जगह मिलेगी तो कहीं पर 1/2 घंटे का पावर नैप भी ले लेंगे। ये देखो बाइक का एक हाथ हल्का सा भी, अगर हल्का हाथ रहता ना इस पे, क्योंकि टॉप बॉक्स लगा हुआ है, उस वजह से इतनी खतरनाक वॉबलिंग कर रही है। और एक और रीज़न वॉबलिंग का मेरे को लग रहा है कि होगा, मैंने अब नोटिस किया है कि इन्होंने जो फ्रंट टायर लगाया था वो उन्होंने उल्टे ही डायरेक्शन में लगा दिया। मेरे को लग रहा है इस वजह से भी वॉबलिंग कर रही होगी। पता नहीं कैसे सर्विस सेंटर वालों ने गलती की है। चलो अब जो भी है, कहीं पर मौका लगेगा तो उसको चेंज करा लेंगे उसकी डायरेक्शन को, नहीं तो अभी तक इतना चला चुके तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये सोच रहा था कि पठानकोट क्रॉस करने के बाद अपने को बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी नहीं, लेकिन जम्मू का भी टेम्परेचर 45 डिग्री आ रहा है आज का, तो आज भी हाल तो वैसे ही होने वाले मेरे ख्याल से कल जैसे। फिलहाल बढ़ाते हैं पेट्रोल और फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, पंजाब है ना ये, यहाँ पर प्राइस है 97.05। यहाँ पे तो महंगा है, 95.5 का भरवाया था अपन ने दिल्ली से, 1350 रुपये 94 पैसे 13.92 लीटर। पेट्रोल आया 13.92 लीटर। पठानकोट पंजाब का वो शहर है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, माने यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके अब अपन जम्मू कश्मीर में घुस जाएंगे और दूसरी साइड जाते तो वो हिमाचल से भी पठानकोट टच होता है। नेट पंजाब का ये वो शहर है जिससे हिमाचल और जम्मू कश्मीर इसके बॉर्डर लगते हैं। आर्मी ट्रक्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई आर्मी बेस कैंप वगैरह हो। यहाँ से 97 किलोमीटर जम्मू और अमृतसर 99 किलोमीटर। माने जम्मू तो अपने को नहीं जाना, मेरे ख्याल से वहाँ से बाईपास कराते हुए ले जाएगा डायरेक्ट श्रीनगर का अपन ने डाला है, तो शायद से उधमपुर वगैरह होता हुआ लेके जाएगा ये। चलो जी, जम्मू कश्मीर में अपनी एंट्री होते हुए वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। बाइक के लिए एंट्री फ्री फ्री फ्री। नींद आ रही है? हाँ, सो ही नहीं करा। तो सुबह 5:30 बजे नींद खुल गई, उसके बाद आती ही नहीं थी, तो थोड़ी देर हेड डाउन करना पड़ेगा। अब जो पहला रेस्टोरेंट दिखे फुर्सत में वही रुक जाते हैं। चलो मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे, आ जाओ। जम्मू की मशहूर शिकंजी, चलो यार अब जरा यही ट्राई कर लेते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह कोई आ नहीं रहा, इससे उम्मीद है कि थोड़ी नींद भगा देगी। हाँ जी भाई साहब, बना रहे बढ़िया शिकंजी। हाँ कहने की बात है कि जम्मू ठंडा है भाई साहब, बिल्कुल वही हाल है जो कल हरियाणा पंजाब में थे। दिन का पहला शिकंजी ब्रेक, ये गोंद का पीने वाली शिकंजी है, मस्त है। क्या कह रहे हैं, कौन सी शिकंजी है ये? गोंद का पीने वाली। गोंद का पीने, वो क्या होता है? पेड़ की छाछ से निकाला जाता है ये। अच्छा, ये
ये जो बिल्कुल दाने दाने आ रहे हैं ये भाई पेड़ की छाल है जो बोल रहे आप। हाँ सर, कतीरे का पेड़ होता है, कतीरे का पेड़, उसका नाम, पेड़ का नाम कतीरा है। शिकंजी टकाटक, और ऐसी शिकंजी मैंने इनकी, मतलब बिल्कुल ही अलग शिकंजी है ये। हाँ जी, कैसी है भाजी? बात है ना भाई साहब, सही है, एक नंबर भाई साहब। आपका नाम क्या है? नाम हमारा मंगल सिंह है। मंगल सिंह, सही है, नाम में भी इतना रौब है जितना शिकंजी में। जम्मू 40 कटरा 86, बोले तो माता वैष्णो देवी का दरबार यहाँ से 86 किलोमीटर। फिलहाल अपन यहाँ से राइट जाएंगे उधमपुर। उधमपुर के लिए घुसते ही अपने को ये रास्ता मिलने लग गया, अब खेत खलियाने वाला। अभी तो रोड थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, आगे जाके शायद सही हो जाए। जो शिकंजी वाला भाई है वो बोल रहा था कि यार सिर्फ 30 किलोमीटर की दिक्कत है, उसके बाद आपको एकदम धारसू रास्ता भी मिलेगा, नज़ारे भी मिलेंगे। तो धारसू रास्ते और नज़ारे के लिए अपन सहलेंगे थोड़ा। इस गर्मी में खटिया खड़ी हो गई है, इसलिए हम खटिया पे लेट गए आगे। पहाड़ों में भाई साहब इतनी गर्मी है, ऐसी हो रखी यार, क्या सुख है मजेगा। चले सर, आपको तो आप सोते नहीं हो, 6 घंटे भी ड्राइव रखी है। 1:10 चाय वाय पीने, क्या चाय पीनी है यार? चाय पी के चलते हैं, फिर सीधा शूट दौड़ाएंगे यार। बढ़िया ढाबा, एकदम टकाटक, अच्छा खासा 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया, लेकिन आराम बहुत मिल गया यार। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तुम आ जाओ। चलो फाइनली अपना हो गया ब्रेक, बहुत बढ़िया वाला। 1.5 घंटे का अपन ने ब्रेक ले लिया, लेकिन यार ये मच नीडेड ब्रेक था। भूख तो धासु लगी रही थी, अपन ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया था, और नींद बहुत कमाल की आ रही थी, तो मंजी पे थोड़ा सा अपनी ना कमर सीधी कर ली। और अब ये जो रास्ता आ गया, ये पूरा पहाड़ी कर्व्स वाला रास्ता, जिसपे आने वाली है मौज, और थोड़े टाइम बाद गर्मी का प्रकोप भी काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब भैया लद्दाख ट्रिप के स्ट्रगल वाला टाइम गया, अब आ गया मौज वाला टाइम। यार दिनेश भाई का बैग शायद से ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बताना पड़ेगा। सुनो, अरे इसको रुक के टाइट कर लो थोड़ा सा, इधर राइट हैंड साइड को हो रहा है, आगे आके रुक लो। इसको बांधने के कैसे यार? श्रीनगर लेफ्ट हैंड साइड 221 किलोमीटर, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता है ये थोड़ा गड़बड़ है यार। जब से अपन ने उधमपुर के लिए टर्न लिया है, तब से रास्ता क्या है कि हर थोड़ी दूरी पर थोड़े गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, ये सब तो ना स्पीड तो यहाँ पे बन नहीं पा रही। अब पता नहीं जम्मू वाला रास्ता कैसा होता। अपन उधमपुर साइड से इसलिए जा रहे हैं, जम्मू को बाईपास करते हुए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा छोटा रास्ता है, लेकिन वो सारा हिसाब किताब शायद बराबर हो गया। तो भाई लोग फाइनली पहुंच गए अपन उन नज़ारों में जिसके लिए अपन घर से निकले थे, और विश्वास से हट के सही में नेचर की जितनी तारीफ कर लो कम है। कल जितनी झुलसती गर्मी में थे, बिल्कुल आग लगा देने वाली गर्मी में, अपना तंदूरी मुर्गा बन गया था, और आज एकदम प्लेजेंट एनवायरमेंट में आ गए, और अब तो नज़ारे और ज्यादा बेहतरीन होते ही जाने। उधमपुर क्रॉस करने के बाद अपन श्रीनगर वाले रास्ते पे, और यहाँ से सुना मैंने यही है कि भाई ये पूरा हाईवे एकदम टकाटक है। आज शाम को श्रीनगर पहुंच जाना चाहिए हमें, मे बी 8 बजे तक, 4 अभी बज रहे, बाकी डिपेंड करता है कि अपन कितने ब्रेक्स लेने वाले हैं, लेकिन कहना बनता है कि जर्नी अभी तक एकदम टकाटक। ये आ गई है टनल श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से यही रीजन है इसका रास्ता अब कम रह गया जम्मू से ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके, देखते कितने किलोमीटर के 156.4 पे अपन घुसे। और भाई टनल के साथ एक प्रॉब्लम तो रहती ही है, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट तो हो नहीं पाता जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन धुआं वगैरह होता है, तो टनल के अंदर आते एकदम से ना पता लगता है कि अपन को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। टनल तो बढ़िया भाई, सोच के देखो यार कितने किलोमीटर इसने बचा दिए होंगे, क्योंकि पहाड़ों पे कर्व्स कर्व्स कर करके रोड्स बनाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए। मेरे को लगता है कम से कम 40-50 किलोमीटर का तो फर्क पड़ गया होगा, और टाइम का भाई, टाइम का तो नेक्स्ट लेवल, क्योंकि पहाड़ों में 40 किलोमीटर अगर अच्छी रोड है तो जाके कम से कम 1 घंटा तो जाता ही है, हायर एंड पे तो 1.5-2 घंटे भी चले जाते हैं कई बार। अब जाके टनल ओवर हुई है, अटल टनल जितनी ही 9.2 किलोमीटर, और बाहर निकलते ही क्या मौसम है भाई साहब, बढ़िया वाली चाय पिला दो।
और जी कुछ भी कहा, श्रीनगर पहुंचना थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है। 3.5 घंटे का रास्ता है, टाइम कितना हो गया? 5:20। 9 बजे तक राइड करेंगे? 9 बजे तक भी क्यों, लगातार राइड करेंगे तो भी 9 बजेंगे। लगातार राइड ही करनी है आज, लगातार देखते हैं। पर हर 15 मिनट में तो हमें भाई साहब ब्रेक चाहिए होता है। उम्र हो गई है 44-43। सही है भाई लोग, इवनिंग चाय हो गई। अपनी ना आदत है यार 5 बजे चाय पीने की, तो इस टाइम पे अपने को फिर से सुस्ती फील होने लगेगी। चाय पीने के बाद दोबारा से स्फूर्ति आ गई अपने शरीर में। श्रीनगर 140 किलोमीटर, जिसका वैसे अगर जाम वगैरह ना लगे तो यहाँ के लोकल लाइट ने बताया कि 2.5 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस चक्कर में जाम है भैया। अरे हमें निकलना है तो साइड से, हाँ बाइक होने का थोड़ा बहुत फायदा तो ये दिखाई देता है, लेकिन भैया अब नहीं, क्योंकि अब अपन जाएंगे सीधा नीचे झेलम नदी में। एक ही रोड पे बाइक, गाड़ी, ट्रक और भैंसिया, देख रहे हो डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन रोड्स। उत्तरी भाजी कतई जाम खत्म हो गया नहीं तेरा, अपन तो फिर भी साइड साइड से किसी तरह निकली जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे भाई सामने आ गया ट्रक। ट्रिप का पहला वाटरफॉल दिखाई दिया आखिर। हाँ जी कितना किलोमीटर है? 104 अभी है, 7 बज रहे हैं। गूगल मैप 2 घंटे शो कर रहा है। वही है जाम तो निकल गया अब शायद, तो सही है, स्मूथ है। ये जगह है बनिहाल, यहाँ से 100 किलोमीटर है ना श्रीनगर। ऑलरेडी ना 7 बज चुके हैं। कश्मीर की वादियों की बात ही अलग है, खूबसूरती बेनते। हाँ एक और सॉलिड टनल, बनिहाल काजीगंज टनल है ये, 8.45 किलोमीटर, और ये तो है भी वन वे। बहुत ही बढ़िया यार, योली टनल तो मेरे को पिछली वाली बोला तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। Awesome tunnel, amazing tunnel यार। अपन पहुंच गए काजीगंज, क्योंकि वो थी बनिहाल काजीगंज टनल। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि ना अपन पहले रुक लेते हैं, रीजन बीइंग एक तो श्रीनगर में फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी स्टे की। श्रीनगर में ऐसा अब हमें कुछ काम तो है नहीं, और अगर अभी टाइमली रुक जाएंगे तो सुबह टाइमली निकल भी लेंगे, और श्रीनगर में डल लेक के आसपास में 1.5 घंटा में भी सुबह रुकते हुए चले जाएंगे आगे। क्या कहते हो, आगे देख लेते जो दिखेगा वहां पता कर लेंगे। मौजिक कश्मीर में एंट्री करते ही स्वागत हुआ बारिश से। इस टाइम पे हो रही है बारिश, अभी यहाँ से श्रीनगर बाकी है करीब 61 किलोमीटर। अपन सोचे थे यहाँ पे कहीं पे रूम वगैरह ढूंढे, तो यहाँ बस स्टॉप के नीचे रुके तो इतने में बारिश चालू हो गई। अब देखते हैं यार, यहाँ पे रूम वगैरह का तो कोई जुगाड़ दिख नहीं रहा, तो हो सकता है श्रीनगर तक जाना पड़े, और इस बारिश में जाना होगा तो भैया ऑब्वियसली रेनकोट पहनेंगे, क्योंकि ठंड भी लगने लगी है अब। ये है आज का रूट श्रीनगर में। बोले तो 60 किलोमीटर पहले जो हम सोच रहे थे कि हमें रूम मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं था कुछ भी। अपना एक्शन कैमरा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही थी वो खराब हो जाता, तो सीधा अब यहाँ पे चेक इन किया। ये कोई अपने को डल लेक से कोई 7-8 किलोमीटर पहले मिल गए। अब सुबह थोड़ा बहुत डल लेक वगैरह घूमते हुए आगे निकल लेंगे। आज की राइड में तो भाई साहब अपन ने सब कुछ देख लिया, बोले तो गर्मी, धूप, बारिश, धूल तो इतनी जिसकी कोई हद नहीं। आज की राइड भी एकदम टकाटक, आज हुई है 300 किलोमीटर की राइड। बस यार हाईवे पे होटल है, पता नहीं नींद कैसे आएगी। खाना वगैरह आ गया, डिनर करके उसके बाद आराम फरमाएंगे, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।